आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इकोनॉमिक ताल्लुकात में इजाफा करके इस सिचुएशन को बेहतर किया गया। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की गई जिसमें इंपोर्ट्स में कमी की गई और करंट अकाउंट डेफिसिट को बेहतर किया गया। फिर एक ऐसा बजट लाया गया जिसमें एक्सपोर्टर्स पर कोई टैक्स नहीं हो। ऐसा बजट लाया गया जिसमें जो हमारे कमज़ोर तबके हैं उनके लिए बजट में 100% इजाफा किया गया, यानी तकरीबन 100 से 192 अरब रुपए बजट में रखे गए। और प्राइवेट सेक्टर जो खसूसी तौर पे इस मुल्क की जो मईशत है उसको चलाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है उनको ज़बरदस्त मराहत दी गई। उनके लिए बिजली में सब्सिडी दी गई, उनके लिए गैस में सब्सिडी दी गई, उनके लिए कर्ज़ों के अंदर सब्सिडी दी गई और इकोनॉमिक जोन्स बनाने के प्रोग्राम शुरू किए गए और बिजली की सप्लाई जो है उसको बहुत बेहतर किया गया ताकि ये इस मुल्क के अंदर जॉब क्रिएशन कर सकें और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें और जो ग्रोथ में कमी है उसको डील करके ग्रोथ में इजाफा कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें की गईं और उसके साथ ही साथ एक ज़बरदस्त ऑस्टेरिटी यानी किफ़ायत शुरी का प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया जिसमें जो सिविलियन गवर्नमेंट है पाकिस्तान की उसकी जो अखराजात है उसमें 50 अरब रुपए की कमी की गई। जो मिलिट्री के अखराजात हैं उनको मुंजमद किया गया। बड़े जो लोग हैं जनरल्स हों सेक्रेटरीज हों गवर्नमेंट के उनकी तनख्वाहें जो हैं उनको मुंजमद किया गया। काबीना की तनख्वाहें गिराई गई और कोशिश ये की गई कि ऐसा निज़ाम हो जिसमें ऑस्टेरिटी हो और अखराजात में कमी हो और उन सब चीज़ों का इंशाअल्लाह फ़ायदा आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लगेगा। साथ ही साथ जो हमारे मुल्क के वो इलाके हैं जहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी है उनको इजाफी रकम दी गई, जैसे कबायली इलाकों को कोई 150 अरब रुपए रखे गए ताकि वहाँ पर भी पाकिस्तान के बकिया हिस्सों की तरह उनको इंटीग्रेट किया जाए और बुनियादी सहूलियात दी जाए। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं पिछले 10-11 महीने में की गई